गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम एनिमल्स नेम यानी जानवरों के नाम चित्र सहित दोहरान करेंगे, फिर अच्छी तरह समझेंगे। तो ये पहला चित्र किसका है? लोयन। किसका है? लोयन, LION, लोयन यानी शेर। उसके बाद देखो ये क्या दिखाई दे रहा है? मंकी, MONKEY, मंकी यानी बंदर। इसके बाद देखो ये क्या दिखाई दे रहा है? डियर, डियर यानी हिरण, DEER, डियर यानी हिरण। BEAR, बियर यानी भालू। इसके बाद देखो YAK, याक यानी पाड़ी बेल, ये तो बिंदी है ये देखो। इसके बाद देखो क्या है? टाइगर, टाइगर यानी चित्ता, TIGER, टाइगर यानी चित्ता। इसके बाद देखो क्या है? डंकी, डंकी यानी गधा, DONKEY, डंकी यानी गधा। इसके बाद देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी, FOX, फॉक्स यानी लोमड़ी। इसके बाद देखो क्या है? डॉग, डॉग यानी कुत्ता, DOG, डॉग यानी कुत्ता। इसके बाद देखो क्या दिखाई दे रहा है? पिग, पिग यानी सुअर, PIG, पिग यानी सुअर। तो अब भी अपने ये मैनिक देखे थे, एनिमल्स नेम यानी जानवरों के नाम। ये सब जंगल में रहने वाले जानवर थे, इनका अपन चित्रों की सहायता से पहचान भी करी और मीनिंगों का दौरान भी किया। तो आपको कैसा लगा? अच्छा, तो एक बार अपन इन्हीं मीनिंगों का पुनः दोहरान करते हैं। तो एनिमल्स नेम यानी जानवरों के नाम, ये सब जानवर जंगल में भी रहते हैं। पहला है LION, लोइन यानी शेर। सेकंड नंबर है MONKEY, मंकी यानी बंदर। तीसरा नंबर है DEER, डियर यानी हिरण। चौथे नंबर है BEAR, बियर यानी भालू। पांचवे नंबर मीनिंग है YAK, याक यानी पहाड़ी बेल। छठे नंबर है TIGER, टाइगर यानी चित्ता। आगे है सातवें नंबर DONKEY, डंकी यानी गधा। आठ नंबर मीनिंग है FOX, फॉक्स यानी लोमड़ी। नौवें नंबर मीनिंग है DOG, डॉग यानी कुत्ता। एक मीनिंग और है PIG, पिग यानी सुअर। तो ये इन मीनिंगों को आपको याद भी करना है और अपनी कॉपी में भी करना है। इसके बाद देखो है मिसिंग लेटर यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो पहला है M खलज गए, N K खलज गए, Y। इसमें आएगा किसका मीनिंग है? ये मंकी का। इसमें आएगा MONKEY, मंकी यानी बंदर। सेकंड नंबर है T खलज गे, GIR, ये मीनिंग है टाइगर। तो इसके में आएगा TIGER, टाइगर यानी चित्ता। तीसरी खलज गे हैं F खलज गे, X, ये है फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी। तो इसमें आएगा FOX, फॉक्स यानी लोमड़ी। चौथा नंबर है L खलजगे, O खलजगे,
गए, यह है लोयन, L I, इसके ऊपर बिंदी है, LION, लोइंग यानी शेर। पांच नंबर है D, खल्ज गे, N, K, खल्ज गे, खल्ज गे, यह है डंकी। तीस में होगा DONKEY, डंकी यानी गद्दा। आगे है B, खल्ज गे, A, खल्ज गे, तो यह है बियर। BE, ये BER, बियर यानी बालू। सात नंबर है PI, आगे खल्ज गे, तो यह है पिग। PIG, पिग यानी सुअर। तो मैंने ये खल्ज के भरी है, तो ये मैंने बुश की सहायता से भरी, थोड़ा सा इनका मोड़ सही नहीं है, थोड़े पंक्तियों में भी सही नहीं है। तो आप अपनी कॉपी में पेंसिल से लिखोगे तो एकदम अच्छे से लिखना है। ये मैंने खल्ज के का रूप दिया, मैंने आप इन अक्षरों का मोड़ सही करके लिखोगे। इसके बाद है आगे देखो, मैच द फ्लोइंग यानी ए को बी से तीर की सहायता से मिलान करना। ए में तो है अंग्रेजी में मीनिंग और बी में उनका हिंदी अर्थ। तो पहला है मंकी, मंकी यानी क्या होता है बंदर, तो बी में तीसरे नंबर पर बंदर लिखा हुआ है। MONKEY, मंकी यानी बंदर। आगे है पिग, पिग यानी सुअर, तो इसके नीचे सुअर है देखो, PIG, पिग यानी सुअर। आगे है फॉक्स, FOX, फॉक्स यानी लोमड़ी। LION, लोइन यानी शेर। आगे है डॉग, DOG, डॉग यानी कुत्ता, पहले नंबर है देखो। आगे है डियर, DEER, डियर यानी हिरण, तो सेकंड नंबर। अब है टाइगर, TIGER, टाइगर यानी चीता। इसके बाद है डंकी, DONKEY, डंकी यानी गद्दा। इस गाड़ी को अपन ने अभी तीर की सहायता से मिलान किया है, तो आप भी अपनी कॉपी में ऐसे लिखोगे सुंदर सुंदर अक्षरों में, फिर मिलान भी करोगे। इसके बाद है लेसन 7। तो कल हमने इसी पार्ट को दोहरान कार्य किया था, आज अपन इसी पार्ट का हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में भी करेंगे। तो पहला वाक्य है, इज दिस एन एंट, क्या यह एक चींटी है। अभी देखो, यस इट इज, हाँ यह है। इसके बाद है देखो क्या लिखा हुआ है, इज दिस एन एग, क्या यह एक अंडा है। यस इट इज, हाँ यह है। इसके बाद तीसरा वाक्य देखो, इज दिस एन एरोप्लेन, इसके बाद देखो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, क्या यह एक हवाई जहाज है। यस इट इज, हाँ यह है। इसके बाद देखो चौथा वाक्य, इज दिस एन आउल, क्या यह एक उल्लू है। यस इट इज, हाँ यह है। इसके बाद देखो पांच वाक्य हैं, इज दिस एन एप्पल, क्या यह एक सेब है। यस इट इज, हाँ यह है। इज दिस एन अम्ब्रेला, क्या यह एक छाता है। यस इट इज, हाँ यह है। तो इस हिंदी अनुवाद को आप अपनी कॉपी में भी उतारोगे और अच्छी तरह समझोगे भी। इनके तीन वाक्य आप कॉपी में उतार सकते हैं हिंदी अनुवाद सहित, और तीन का हिंदी अनुवाद अपनी किताब में भी भर सकते हैं। धन्यवाद।